आपको जरूरत पड़ेगा कि ये साइज भी काटना है, वो साइज भी काटना है, तब आपको सारा साइज उस पर नहीं चल पाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी मशीन में सस्ता है, कौन सा महंगा है, क्योंकि मशीनें एक बार लिया जाता है, बार सेट करेगा तो बार बार प्रॉब्लम आएगा और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे स्थिति में जो लोग लेते हैं सस्ता है मशीनें, वो जल्दी फ्लॉप कर जाते हैं, वो जल्दी परेशान होकर काम बंद करते हैं। और अगर 25 में भी लाए हो तो 10 5 में बिक जाए तो बहुत है। एक बंदे मेरे पास आए, उन्होंने हमें बताया कि हम मशीन लाए थे 60,000 रुपए में और उसको हम कवाड़ी में बेचे हैं 8,000। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आजकल जो लोग हैं बहुत ही, अभी भी लोग गुमराह हो रहे हैं पेपर प्लेट बिजनेस को लेकर के। लोग पेपर प्लेट बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन उस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से लोग गुमराह भी हो रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लोग गुमराह कैसे हो रहे हैं इस बिजनेस को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों लोग गुमराह होने का कारण क्या है, अभी भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं इस बिजनेस को लेकर के। लोगों को लगता है जैसे कि ये पेपर प्लेट बिजनेस जो है बहुत ही आसान है, इजी है, सरल है, इस बिजनेस को करना बहुत कम पूंजी में ही बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों को ये बता दें कि अगर यदि आप ये चीज सोचते हैं तो आप गलत हैं, आप इस काम को नहीं कर पाएंगे और आप इस काम को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये नहीं कि आप जो सोच रहे हैं कि हम 50,000 1,00,000 से कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप ऐसा सोचे भी ना। क्योंकि कोई भी बिजनेस में अगर यदि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। उसके बाद लोग एक चीज में और गुमराह हो रहे हैं मशीनों को लेकर के। लोग सोचते हैं कि 25,000 में सिंगल डाई, लोगों को बताया जा रहा है जैसा यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, लोग बताते हैं कि 25,000 में सिंगल डाई या 40,000 में डबल डाई आप आइए ले जाइए अपना काम स्टार्ट कीजिए। लेकिन 25,000 और 40,000 में जो बताया जा रहा है, 25,000 में सिंगल डाई और 40,000 में डबल डाई, तो ये जो है लोगों को सिर्फ गुमराह करने का रास्ता है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर यदि आप 25,000 का मशीन लेते हैं और 40,000 का मशीन लेते हैं, आप वहां पे जाइएगा और आप मशीन, आपको सिर्फ ये पता है कि मशीन है, ये नहीं पता कि मशीन में क्वालिटी क्या है, मशीन में होना क्या चाहिए, मशीन किस तरह से होता है, मशीन का साइज क्या होता है, मशीन का मतलब क्या होता है। आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि मशीन, बस हमें पेपर प्लेट का मशीन लेना है जो कि हमें यहाँ पे 25 का मिल रहा है, वहां पे 35 का मिल रहा है, वहां पे 40 का मिल रहा है, और इस तरह से आप लोग सस्ता देख करके भागते हैं। जहां सस्ता मिल रहा है वहां चला जाए, जहां महंगा है वहां छोड़ दिया जाए। तो सबसे पहला जो गलती आप लोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा तो आप लोग सस्ता के चक्कर में पड़ते हैं, और उसके बाद कुछ लोग अगर महंगा भी लेते हैं तो वो ऐसा ले लेते हैं कि उनके कोई मतलब की नहीं होती है। तो इस चीज के लिए तो खैर हम आपको बता देंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी मशीन का प्रमोट करें या फिर किसी का हम गलत करें, वो नहीं। लेकिन अगर यदि आप नए हैं और आपको सिर्फ पेपर प्लेट बिजनेस करना है तो स्टार्टिंग आप सिंपल आइटम से करें, फैंसी आइटम से नहीं। और सिंपल आइटम से करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है मशीन की क्वालिटी और मशीन की जो उसकी खासियत होती है और मशीन की साइज होती है, उस पर ध्यान देना। क्योंकि 25,000 में जो मशीन बताया जाता है, 40 में बताया जाता है, वो मशीन मशीन नहीं होता है, वो सिर्फ नाम का मशीन होता है, काम के लिए नहीं होता है। आप लोग पहले उस चीज को देखें कि कैसे कैसा मशीन होता है और कैसे वर्क करता है मशीन, और क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है मशीन के अंदर में। आप लोग को पता नहीं होता, सिर्फ आप सोचते हैं कि 25,000 में ले आए, 40,000 में ले आए, या 30-35 में ले आए, या 60 में डबल डाई ले आए। तो ये सब जो है आप सिर्फ ला तो सकते हैं लेकिन आप उस पर काम नहीं कर सकते जो आपको चाहिए होगा। क्योंकि आप ये चीज देखें कि अगर यदि कोई भी सामान को आप ले लो, मान लो मोबाइल की हम बात करते हैं कि 5,000 का ही मोबाइल है और 50,000 का ही मोबाइल है, बात 5,000 से भी होता है और बातें 50,000 वाले से भी होता है, लेकिन कुछ उसमें फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर यदि उसका फीचर्स नहीं होता तो वो क्यों महंगा होता, और जब 5,000 में उसका फीचर्स अगर नहीं है जब तो सस्ता है। तो आपको जब सारा काम करना है, आपको जब अच्छे क्वालिटी का काम करना है, तो हमेशा अच्छी चीज लेना चाहिए।
सस्ता के चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी बंदा अगर दे रहा है आपको तो अपने घर से नहीं देगा, उसमें भी वो प्रॉफिट अपना रख के ही देगा। और 25,000 रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता है, 50,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता है। अगर यदि आप इस तरह से सोच रखते हैं तो बहुत बड़े मूर्ख हैं आप, और कभी भी इस काम को आप नहीं कर पाएंगे। बेफालतू में 50,000-1,00,000 रुपए आपका लॉस हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर यदि इस काम को करना चाहते हैं अच्छे से, अच्छे लेवल पे, तो आपको नॉर्मली भी अगर आप करते हैं तो नॉर्मली कम से कम 2-2.5 लाख रुपए रखने पड़ेंगे, 2-3 लाख के बीच रखने पड़ेंगे, तब जाकर के आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि 50,000 में ले आए, 1,00,000 में ले आए, 25,000 में ले आए, 30,000 में ले आए, वैसे सिर्फ मशीन ला के उसको पूजा करने वाला काम नहीं होता है। अगर आप उस तरह का मशीन लाते हैं सस्ता वाला, तो सिर्फ आप उसका धूपबत्ती सुबह शाम दिखा सकते हैं, उस पर आप कमा नहीं सकते हैं। ये बात मेरा कड़वा होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन ये सच है। क्योंकि जो 25,000-30,000 की मशीनें होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है, उस पर सिर्फ आप प्लेटें निकाल सकते हैं, सारे आइटम नहीं निकाल सकते हैं। और अगर यदि आपको कंटिन्यू काम करना है मार्केट में, तो आपको मशीनें वो लेनी चाहिए जिसपे आप सारा काम कर सके एक बार में, एक ही मशीन से सारा काम हो जाए। जैसे कि अगर यदि आप मशीनें ले रहे हैं 25 इंच का, 25,000 रुपये या 30,000 रुपये में आप मशीन मंगवा रहे हैं, बहुत लोग ला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, हम तो आज तक नहीं बेचे इस तरह में, तो उनका क्या होता है, मशीन का जो क्वालिटी होता है बहुत ही लो क्वालिटी होता है, क्योंकि उसमें लोहा एंगल होता है, उसका साइज छोटा होता है, उसका बेलन पतला छोटा होता है। तो जितना साइज आप छोटा लेंगे उतना सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो आपको लगाने के महीने 2 महीने बाद ही वो मशीने आपको महंगा पड़ने लगेगा। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ेगा कि ये साइज भी काटना है, वो साइज भी काटना है, तब आपको सारा साइज उस पर नहीं चल पाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी मशीन में सस्ता है, कौन सा महंगा है। क्योंकि मशीने एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं। अगर यदि आप को चेंज करना है कि हर महीने 2 महीने बाद मशीन चेंज करना है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक बार आज ये मशीन आया कल वो मशीन लेकर के आएगा। और बहुत लोग इसी चक्कर में फंस रहे हैं और गुमराह भी हो रहे हैं, सस्ता के चक्कर में वो फंस जा रहे हैं। अभी एक भाई मशीन लेकर के आया, वो मशीन तो दिया है लेकिन मशीन में सस्ता है मशीन, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे मेन पार्ट्स होते हैं वो नहीं है। वो क्या है, जो प्रेशर होता है मशीन का, जिससे हम प्रेशर डाउन अप डाउन करते हैं, जिससे कि मेरा हर डाई उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है, वही चीज उसमें नहीं दिया गया है। अब वो हमारे पास कॉल किया, हम उनको दिखा दिए वीडियो कॉलिंग में, देखिए ये इस तरह का आपके मशीन में है या नहीं है। वहां से फोटो आया मशीन का, वो कुछ भी नहीं है उसमें, डायरेक्ट उसमें से करेंट में से डाई के पास डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसमें दाब प्रेशर जो बढ़ाते हैं वो है ही नहीं उसमें दिया हुआ। तो कोई भी जो हम लोग तो ट्रेंड बंदा है तो हम उसमें भी चला लेंगे, लेकिन जो नए हैं वो उस पर कैसे काम करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे उसमें किया जाता है। क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आप 19-20 करके काट सकते हैं, सारा डाई में सेट करेंगे तो बार बार प्रॉब्लम आएगा और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे स्थिति में जो लोग लेते हैं सस्ता है मशीनें, वो जल्दी फ्लॉप कर जाते हैं, वो जल्दी परेशान होकर काम बंद करते हैं। और अगर 25 में भी लाए हो तो 10-5 में बिक जाए तो बहुत है। एक बंदे मेरे पास आए, उन्होंने हमें बताया कि हम मशीन लाए थे 60,000 रुपए में और उसको हम कबाड़ी में बेचे हैं 8,000 रुपए में। क्यों? क्योंकि मशीन डबल डाई लिए तो थे लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा, ना तो उस पर ढंग से प्लेट बन पा रहा था, ना उस पर ढंग से दोना बन पा रहा, जिसको बाउल बोलते हैं, दोना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो अलाइनमेंट थी, जो सेटिंग थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी, और उसमें जो एंगल लगा हुआ था, जो लोहा लगा हुआ था, जिसको हम लोग चैनल बॉडी में बनाते, वो एंगल बॉडी में पतला पतला था और हल्की मशीनें थी। तो जैसा पैसा लगाओगे वैसा ही सामान मिलेगा। अगर यदि आप सस्ता मशीन लाते हो, कम पैसा लगता है, तो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत खुश होगे कि यार ने हमें इतना में बहुत अच्छा था, लेकिन जब आप लोगे उसको तब आएगा कि आपको क्या फायदा है, नुकसान। तो यही चीजों से आप बड़ा नहीं है। अगर काम करना है तो अच्छे से करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि इस काम में पैसा बहुत लगता है और बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। तो अगर इस काम को आगे बढ़ाना है तो अच्छे से मशीन लेना है, अच्छा सा इसमें काम करना है और अच्छे से सोच समझ के करना है, जब भी आप इस काम को कर पाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो हमें आप लोगों के लिए था कि ताकि आप लोग इस वीडियो को माध्यम से देख के और गुमराह ना हो और आप अच्छे से अपने काम करें, ताकि कल को जो पैसा आप लगा रहे उसमें से आप उसको कमा के आप पैसा रिकवर कर सके। ऐसा ना हो कि मशीन ले लिए, पैसा फंसा दिए और फिर उसमें से हमें कुछ भी ना निकले। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।